हेलो फ्रेंड्स, घर के देसी स्वाद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बढ़िया से आपके सामने स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बीट रूट कटलेट। दोस्तों, ये बीट रूट कटलेट या चुकंदर के कटलेट भी इसे बोलते हैं। चुकंदर सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। तो आज इसे हम बनाएंगे, जो हमारे घर के बेसिक सामान मौजूद होते हैं उन्हीं से आज हम बनाने जा रहे हैं बीट रूट कटलेट। बीटरूट कटलेट को आप चाहे मॉर्निंग इवनिंग स्नैक्स में लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके साथ में हरी चटनी में जरूर बनाइएगा। तो चलिए आइए ऐसे हेल्दी कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं।
उसके लिए हमें चाहिए बीटरूट। यहाँ मैंने 4 बड़े बीटरूट लिए हुए हैं, ये देखिए, उन्हें मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद में पील कर लिया है और इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। साथ में ही मैंने यहाँ पर 4 बीटरूट लिए हैं, तो 3 बड़े मैंने आलू भी लिए हैं। ये आलू उबले हुए हैं और उन्हें मैंने अच्छे से इस तरीके से मैश कर लिया है। अब इन आलू और बीटरूट को मैं साइड में कर देती हूँ। उसी के साथ मैंने लिया है यहाँ 1 छोटा अनियन, जिंजर वाली पेस्ट, लेमन जूस और नमक। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें ऑयल 2 चम्मच करीब मैं इसमें ऑयल बड़ा ऐड कर दूंगी। उसमें मैं जीरा डाल दूंगी। जीरा को तब तक भूनना है जब तक वो चटकने लगेगा, और जीरे का टेस्ट सभी को पता है, जैसे तभी आता है जब वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब जीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद में हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यानी मैंने ग्रीन चिली भी इसमें ऐड करी है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, ये देखिए, इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। उसके बाद में छोटे महीन चॉप्ड कटे हुए अनियन भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए, अब इन्हें भी आपको गोल्डन ब्राउन होने तक की फ्राई करना है। उसी के साथ में आपके पास अगर बीन्स है तो आप थोड़ी सी महीन बीन्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मटर भी ऐड करी है, धनिया पाउडर और हल्दी और अमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें आप इसी में ऐड कर दीजिए। देखिए, जब अच्छे से फ्राई हो गया तो इसे हम ठंडा होने देंगे, पूरा प्रॉपर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में जो हमारे पास ये बीटरूट और ये पोटैटो थी बॉइल्ड वाली, इन दोनों चीज़ों को आपको इसमें मिक्स कर देना है। लेमन जूस के साथ में ही यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच आरारोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और नमक स्वादानुसार लेंगे, थोड़ा हल्का ही इसमें नमक रखते हैं। और साथ में ही यहाँ पर थोड़ा सा आप ऊपर से गरम मसाला भी ऐड कर दीजिए, और भुना हुआ जीरा। ये देखिए, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। दोस्तों, अगर आपके पास इस टाइम पे अरारोट नहीं है तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा या बेसन को भी या ब्रेड क्रम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए अपनी जो हथेलियाँ हैं उन्हें घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और यहाँ 1 बड़ा चम्मच हमने ये बीटरूट कटलेट का लिया हुआ है। अब इसको हम हाथों में पहले थोड़ा सा राउंड शेप देंगे लोई जैसा, उसके बाद में इसे हल्का सा चपटा कर देंगे। ये देखिए, और जो साइड्स में क्रैक्स वगैरह आ गए हैं उन्हें भी हम रिमूव करना है। देखिए, इससे अपनी फिंगर की हेल्प से धीरे धीरे आप रिमूव कर लीजिए। देखिए, हमारा बहुत ही बढ़िया कटलेट इस तरह से बन जाएगा। इस कटलेट का शेप आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा छोटा या बड़ा भी। ये देखिए, आप इसे हल्का सा पहले जब राउंड शेप कर लेंगे तो इसमें क्रैक्स बहुत ही कम आएंगे। आप इसे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से पुश कर दीजिए और ये कैश्यू नट ऊपर से लगा दीजिए, और ये देखिए, हमारे कटलेट बनकर रेडी हो गए हैं सारे। चलिए, अब ये फ्राई होंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में आप 5 से 6 बड़े चम्मच करीब ऑयल इसमें ऐड कर दीजिए। उसी के साथ ही यहाँ पर आप जो बीट रूट है बने हुए, इन्हें इसमें हम फ्राई होने के लिए डाल देंगे। मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब मैंने इसमें पैन पे जब ऐड किया था, ट्रांसफ़र किया था, तो आँच लो टू मीडियम ही रखेंगे, आँच को बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, अदरवाइज इसका ऊपर का कवर जल जाएगा। तो इसलिए ये देखिए, हमारी कितने बढ़िया से बीटरूट कटलेट बनकर सारे रेडी हो गए हैं। चलिए, अब इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ, इतने गर्मा गर्म टेस्टी कटलेट तो अभी खाने का बिल्कुल दिल कर रहा होगा ना आप लोगों का भी। तो दोस्तों, आप लोग भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिए, और ये बहुत ही बेसिक सामानों से बनता है जो घर पे नॉर्मली हमारे मौजूद होता है। ये देखिए, आप इसे चाहे तो ग्रीन वाली चटनी के साथ में सर्व करें, या चाय कॉफ़ी के साथ में सर्व करें। दोस्तों, इसे एक बार तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर कि आप लोग इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आप लोग अपने अनुभव भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे।